हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल चाणक्य क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से नंबर की बात करने वाले हैं और ये नंबर की 5वीं क्लास है। बेसिक क्लास के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बिना टाइम गंवाए चलिए अपने सब्जेक्ट की ओर। तो हम लोगों ने कल कुछ ट्रिक पर बात किए थे और आज हम लोग उनके आगे चलेंगे, आज हम लोग उनसे आगे चलेंगे। तो एक बार सभी को वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए, हम लोग कल बात किए थे लगातार एन तक की सम संख्याओं का योग निकालने के लिए हम लोग सीख रहे थे। चलिए, चलिए हम एक सवाल देते हैं, उसको बनाइए पहले। सवाल है, लगातार 40 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? चलिए फटाक से बनाइए। अगर आप लोग कल की क्लास किए हैं तो ये सवाल बन जाना चाहिए आज। बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए फटाफट बनाइए, आंसर दीजिए। चलिए देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एन बटे टू इंटू एन बट्टा का टू प्लस का वन। यही फॉर्मूला होता है ना, यही बताए थे कल। तो देखिए, जहां जहां एन दिखे, एन यानी नंबर, कितनी नंबर तक है? 40 नंबर तक है। जहां जहां एन दिखे वहां वहां एन लगा दीजिए, यानी कि 40 बट्टा का दो इधर भी हो जाएगा बाबू, 40 बटा का दो अब प्लस वन, इसको काट दीजिए। 20 बार में खत्म हो गया, ये कहानी खत्म हो गया इसका। चलिए ये 20, और इसका क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए 40, और इधर हो जाएगा प्लस का
दो। देखिए दो और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो एक है, दो और एक का एलसीएम लेंगे तो दो होगा, और दो से भाग करेंगे दो को तो एक बार में एक गुना 40 करें तो 40। यहाँ उसी प्रकार एक था नीचे तो एक से भाग दिए दो को दो बार में, और दो गुना एक किए तो दो हो गया। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलिए अब देखिए, अब है हमारा 40 2 कितना हो गया बाबू, 42 गुने का 42 बटा में क्या है 2, इसको भी काट दीजिए 10 बार में, कट गया। अब इसको कीजिए 42 गुना 10 कीजिए तो 420 का, ये हो गया एकदम राइट आंसर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए क्लियर है सभी का यहाँ तक। चलिए और ये रहा अब दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए आज हम बात करेंगे अब लगातार, लगातार 21 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए देखिए हम लोग एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम दोबारा आपको फिर से समझा सकें। लगातार 21 तक की विषम संख्याओं का योग बोल रहा है, ठीक है, लगातार 21 तक की विषम संख्याओं का योग, तो फॉर्मूला लगाइए फटाक से और बनाइए। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 पूरे पर जो है ना मत्थे पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब देखिए जहां जहां n दिखे वहां वहां क्या करना है, 21 को लगा देना है, जहां जहां n दिखे वहां वहां 21 लगा देना है, यानी कि 21+1/2 का हो जाएगा 2 बाबू, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए। 21 और 1 को अगर जोड़ेंगे हम तो हमारा 22 हो जाएगा, बटा में 2 है, इस पर भी स्क्वायर लगाइए और इसको पहले कटाइए, 11 गुना 11, 11 बार में कट जाएगा, 2 से 11 बार में साफ, ठीक है। अब यहाँ हमारा बचता है, अब यहाँ हमारा बचता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर करना है, गुना करना है, तो 11 गुना 11 करोगे तो हमारा आ जाएगा 121, 11 गुना 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 121, और ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, समझ गए, समझ में आई, क्लियर है यहां तक। चलिए
चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर थ्री तो ध्यान से देखिए, अगर हम बोले कि बाबू लगातार 27 तक की लगातार 27 तक की विषम संख्याओं का योग क्या है, तो अब तो बोलोगे कि सर ये तो बन जाएगा, क्या होगा क्या होगा, लिख रहे हैं क्या होगा। क्या ये सवाल बन जाएगा? तो जी हाँ बन जाएगा, तो बनाइए फटाफट। यही यही ट्रिक लगाना है ऊपर में, जो यहाँ ट्रिक है वही ट्रिक लगाना है ऊपर में। तो चलिए फटाफट बनाइए, मात्र इसको जो है ना 30 सेकंड में आंसर दीजिए, 30 सेकंड में आंसर दीजिए, मात्र 30 सेकंड में आंसर दीजिए इसका। कितना आया? 196, 196 आंसर आ चुका है। और भी सभी कोई आंसर दो। एक सौ छियानवे तुम्हारा रे, 196। चलो सभी का 196 आया, अच्छी बात है। देखते हैं, देखिए लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होता है? ट्रिक होता है n प्लस वन का बटा में 2 पर पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का, यही ना। चलो जहां जहां n दिखे बाबू वहां वहां क्या करना है, 27 लगा देना है। जहां जहां n दिखे वहां वहां क्या करना है, 27 लगा देना है। ठीक है, 27 और एक कितना हो गया, 28 का बटा में 2 पर पावर है, इसको कटा दीजिए, 14 कहाँ, 14 14 दूनी 28 होता है। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर करना है, 14 का स्क्वायर करना है, तो चलिए 56 14 5 19 196, 196 जिसका जिसका आया है सारे लोगों का सही है, सभी लोगों का सही है, 196 जिनका जिनका आया है सभी का सही है। ठीक है, तो ये इस तरह का भी सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया। अब इस सवालों में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए चलिए, अगर हम बात करें, ठीक है, चार नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें लगातार, ठीक है, लगातार 20 तक, कितना तक, कितना तक, 20 तक, लगातार 20 तक नहीं देना है, 20 विषम लिखो, लगातार 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब है और बहुत ही इजी भी है ना, है?
बहुत इजी है, गधेड़ा। लगातार 20 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? 20 तक में देख लो कि विषम संख्या क्या क्या है, सभी विषम संख्याओं को ऐड करो, ठीक है, और लगातार विषम संख्याओं का वर्गों का योग बराबर ठीक होता है एन का स्क्वायर। टोटल नंबर, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। अब तो बना लो, जो नंबर आए विषम संख्या का उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर? हाँ, चलिए बनाइए फटाक से, आंसर दीजिए। आंसर दो, कितना आया बोलो ना? 1000। अच्छा देखते हैं, 1000 कैसे आएगा रे, 1000 कैसे आएगा, कितना आया? 110। अरे बकलोल, इधर देख बकलोला, इधर देखो, 20 जो है ना, 20 टोटल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोल रहा है, 20 विषम संख्या, 20 तो विषम संख्या है, ठीक है। अब इसके अंदर में, ये तो 20 तो विषम संख्या है नहीं, ये तो सम संख्या है, इसके अंदर में जितना भी विषम संख्या है ना, उन सभी विषम संख्या को पकड़ पकड़ के लाओ और जोड़ दो सभी विषम संख्या, क्योंकि के ठो है विषम संख्या 20 के अंदर में, ठीक है। और जितना नंबर, नहीं जी, सिर्फ विषम संख्या को ऐड करना है, अब वो भी जोड़ना नहीं है, खाली नंबर देखना है कि के टो है। जैसे कि विषम संख्या क्या, 1 3 हो गया ना, 5, तो 1 3 5 के टो हो गया, 3 गो हो गया। इसी तरह 20 तक में देखना है कि के टो विषम संख्या है, और सारा विषम संख्या को पकड़ के लाओ और इसको स्क्वायर कर दो। क्लियर है? बन गया, कितना आया? 81। तो अभी हम देख लेंगे, देखिए अभी हम विषम संख्या की बात करें, विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, कोई डिफिनेशन देगा? तुम लोग पढ़ते नहीं हो। हाँ, जो दो से पूरा पूरा विभक्त ना हो, जो दो से पूरा पूरा नहीं कटता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो देखो, हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक नंबर से हम क्या किए, स्टार्ट किए। अब हमको देखना है कि 20 तक में कितनी विषम संख्या है, यही ना, 1 3 4 होगा क्या? नहीं होगा। गुड, 5 के बाद, 7 के बाद, 9 के बाद, 11 के बाद, 13 13 के बाद,
पंद्रह, पंद्रह के बाद सत्रह के बाद बीस तक तो कुछ भी किया, और बीसवां क्या है, सम संख्या है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। अब हम बोले कि बताओ कि इसमें कितनी सम संख्या है, तो क्या बोलोगे, कितना हो गया, कितना हुआ, दो हो गया, दो दो बोलोगे इसको। अरे नंबर हमको काउंट करना ना, केटो खड़ा है आदमी पंक्ति में, वो खड़ा कर, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस। बाबू विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है एन का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि दस का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा एक सौ, एक सौ दस, जिसका जिसका आंसर आया है एकदम क्लियर है, क्लियर है सभी का, क्लियर है। चलो अगर हम इसी में और बात करें, इसी में अगर हम दे दे तुम लोगों को, एक सवाल और दे दे, क्या बनोने एक सवाल और दे दे, चलो छोटा सा सवाल देते हैं। लगातार 11 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, फटाक से बना लो, लगातार 11 तक के वर्गों का योग क्या होगा, फट से बना लो, जल्दी से आंसर दो, जबरदस्त है इतना का, क्या है रे, ये कौन सा सवाल है, हाँ ये कौन सा सवाल है, ये पकौड़ी वाला सवाल है कि नहीं, छानो ठंडाया नहीं, डाल लो हुर लो। चलिए फटाक से आंसर दीजिए, सवाल देख के तो दिमाग घूम गया होगा तुम लोगों का, तो हमको पता है, लेकिन दिखने में बड़ा है लेकिन बनने में क्या है, बहुत ही छोटा है, इनसे भी छोटा है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है क्या, बहुत छोटा है, तो फटाक से बनाइए। हाँ जी बना लिया, अच्छी बात हो, बना लिया तो अच्छी बात ना है। बना लिया तो अच्छी बात है रे,
चलो ये बन गया। देखो है? अच्छा देख लेते हैं, 11 विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, के बाद 9, 9 के बाद 11। 1 2 3 4 5 6, कितना आया है गधेड़ो? 36। आया है 36। हाँ झूठ मत बोलियो। देख लीजिए, 3 दुगना 25 और मेरा 36 जिसका जिसका आया है, एकदम सही है। चलो क्लीन है तुम्हारा। चलो यहाँ देखो, ये इन सवालों पर ध्यान दो, अच्छी तरह से समझना, बहुत ही इजी है, कोई बात नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है एकदम। अगर ध्यान लगा कर देखोगे तो पूरा क्वेश्चन कंप्यूटर के, जिस तरह कंप्यूटर में छप जाता है ना, उसी तरह तुम्हारे खोपड़ी में छप जाएगा। देखो कहता है 2 अंकों की एक संख्या, समझना क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं बाबू? 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों में, ठीक है, के दोनों अंकों में 24 का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाओ। अंतर का मतलब घटाओ, माइनस। इन दोनों अंकों का योग 102 है, ठीक है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है वो बताना है। योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब होता है घटाओ। क्लियर है यहां तक? अब देखो, कोई दो संख्या है जिसका योग दे रखा है, अंतर दे रखा है 24, और उन्हीं दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 102। इसको कैलकुलेशन करके सटा के एक कर देना है और बता देना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है वो बता देना है, ठीक है? तो बनाइए। देखिए सबसे पहले हमको तो अंकों, 2 अंक क्या है वो तो मालूम नहीं है, हैं? मालूम है क्या? नहीं है। लिखेंगे माना, ठीक है, माना दो अंकों की एक संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लेना है, माना बड़ी एवं छोटी अंक बराबर, क्या मान लेना है? मान लो x तथा का y, यानी कि बड़ी संख्या हमने क्या माना और छोटी संख्या क्या माना? y। अब चलो हम लोग बात करेंगे प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। जो क्वेश्चन बोल रही है, क्या बोल रही है? कि 2 अंकों में 24 का अंतर है, ठीक है। देखो ये दोनों में अंतर कितना है? 24 का। ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। क्लियर है यहां तक? बोलोगे जी सर क्लियर है, ठीक है। अरे गधेड़ा, यहाँ पहले देख लो। अब देखो अंकों का योग बोल रहा है ना, अंकों का योग बोल रहा है ना, तो x प्लस y बराबर 102 का, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है ना। अब इन दोनों समीकरण को हमने क्या करने वाले, दोनों समीकरण को मैं जोड़ दे, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर देखो, यहां तो किसी का परिवर्तन हमको नहीं करना है, ऊपर में माइनस है और नीचे क्या है? प्लस। पहले तो ये वाई और ये वाई चल गया गंगा नहाने। क्लियर? अब एक्स बचा ना, एक्स और एक्स कितना हो गया? वो 2x। तो यहाँ 2x लगा दिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 102 और 24 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 126 का। 126 का हो जाएगा। अब 2 से इसको कटा दीजिए, 2 से कटा दीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? ये x 2 जो है, x का क्या है? गुना है। तो गुना में जब बराबर के इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। इसको कटा दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, यही ना, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 63। और इनमें से हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 63 है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं? चलिए फटाक से बनाओ इसको।
इसलिए पानी कहाँ से गिर गया रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब क्या। सवाल नहीं निकला है क्या इसका अभी पूरा? निकल तो गया है। चलिए देखिए क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर, कह रहा 2 अंकों की संख्या, ठीक है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग77 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? चलिए बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही मस्त भी है, बनाइए फटाक से। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। जल्दी से बनाओ, बहुत ही इजी है। कह रहा है 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 77 है तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखो इस तरह का सवाल अगर भिट जाए तो इसका एक ट्रिक होता है बाबू, इसका एक ट्रिक है। अगर योग पूछे, हड़बड़ाना नहीं है, ऐसा सब सवाल आता है आए तो बिल्कुल नहीं डरना है, बस एक ट्रिक है, फॉर्मूला लगा देना। ऐसे अगर तुम जिस तरह लेंथ मतलब कि मैथ बनाते हो उस तरह से बनाओगे तो तुम्हारा लंका लग जाएगा। क्या लगेगा? लंका लग जाएगा, यानी लंका तुम्हारा दहन हो जाएगा। इसलिए उस तरह दिमाग नहीं लगाना, फट से दिमाग लगाना है कि क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 77 दिया हुआ है। ठीक है, प्राप्त संख्या का योग 77 दिया हुआ है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अगर जहां तुम्हें इस तरह का सवाल मिले और अंकों का योग पूछे तो फटाक से बाबू क्या करना है, दी हुई संख्या में से 11 से भाग दे देना है। जी दी हुई संख्या, अब तो बतेबे नहीं करेगा 7, नहीं तो इतना देर से क्या हुआ था। दी हुई संख्या में से क्या करना है, 11 से डिवाइड कर देंगे, एकदम आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो, या तो इसको हम लोग जिस तरह बनाते हैं उस प्रकार से भी बना सकते हैं, लेकिन ठीक भी बता दिए, अच्छी बात है ना। हाँ
नहीं समझ में आया वो मेथड नहीं बना तो हम ट्रिकवा लगा देंगे। क्लियर है? देखो हम पहले मैथ के तरफ से बनाते हैं। देखो यहाँ क्या करना है, हमको पहले मानना है, लिखेंगे माना दो अंकों की संख्या बराबर क्या है। दो अंकों की संख्या पूछा है ना, है तो टेन एक्स प्लस वाई का मान लिए, ठीक है। अब बोला है संख्या के अंकों को पलटने पर क्या करना है, संख्या के अंकों को क्या करेंगे हम, पलट देंगे। किसको पलट देंगे, एक्स वाई जो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, इसको पलट देंगे। लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है। तो कैसे पलटाएगा बाबू, टेन वाई का प्लस एक्स, ये ना। अब बोल रहा है प्राप्त संख्या का योग 77 है, प्राप्त संख्या का योग 77 है। अब जो संख्या प्राप्त हुई ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसका योग कितना है, 77। दोनों को जोड़ने पर योग कितना आ रहा है, 77 है, है ना। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 77 है। तो दोनों को जोड़ दो, टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई प्लस एक्स बराबर 77। क्लियर है यहां तक? अब तो बना लोगे, ऐसे बना लिया। वो तो हम बता दिए कि पूरी में सब्जी मिलाओगे तो अच्छा लगेगा खाने में, वो तो हम बताए तब ना खाया है, नहीं तो पूरी के साथ चनाचूर में मिला के खा रहा था। देखो अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोला है, संख्या के योग ना, तो टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस का टेन वाई प्लस एक्स, इसका योग कितना है बाबू, 77 है ना, 77 है ना, अब बोलना का देखा, 77 है ना। अब देखो क्या करना है, टेन एक्स और एक्स कितना हो गया, टेन एक्स और टेन एक्स कितना हो गया, 11 हो गया। तो यहां लिख दो 11 एक्स प्लस का, अब कहां छुप गया रे, ये 10 वाई और वाई कितना हो गया, 11 वाई बराबर का, बराबर का कितना हुआ, पहले वो डब्बा दो हमको पूरे निकाल, चलो तो देखो 11x प्लस 11y बराबर 77, यहां तक ठीक है ना। अब क्या करना है, ये दोनों में देखना बाबू, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x y कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब समझता है, जो दोनों में इक्वल हो, मतलब जो दोनों में बराबर हो, क्या है 11। तो 11 कॉमन लो, इधर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बराबर का 77। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो ये देखो एक्स वाई का गुना में है ना 11, एक्स वाई का गुना में है ना 11। जब 11 को उस पार भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 77 बटा का 11 हो गया। और अभी हम जस्ट क्या बताए थे कि इस तरह का अगर सवाल आए तो फटाक से क्या मारो, क्या मारो, 11 से डिवाइड करो, बताए थे ना। देखो अब ट्रिक में आ गया ना, लास्ट में 11 तो इसको कटा दो 11 से एक बार में, 11 सत्य 77, यानी कि अंकों का योग क्या हो जाएगा, अंकों का योग क्या हो गया, 6 अंकों का योग, हाँ सात सात, ठीक है, अंकों का दो, अंकों का योग क्या हो गया,
सात, ठीक है, क्लियर है? हैं, अरे इतना कुकुर के भांति भुकवा ही देते हो हमको, हमारा दिमागवा काम नहीं करने लगता, फैल कर जाता है। समझ में आया? क्लियर है? और नहीं तो हम क्या बताए थे कि अगर इस तरह का बाबू सवाल आए, योग दिखे, तो क्या करना है? फट से 11 से भाग करना है। और अगर अंतर दिख जाए तब क्या करोगे? अगर पूछ दे कि उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तब क्या करोगे? घटा देगा। अरे बुढ़वा की इसका बात नहीं कर रहे, हम ट्रिक का बात करें। क्या करोगे? तो एक याद रखना, जब घटाने की बात आए, जब अंतर की बात आए, तो कुछ नहीं करना है, दी हुई संख्या में से 9 से क्या करना है? भाग देना है। क्लियर हो जाएगा? 9 से क्या करना है? भाग देना है, जो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कोई और भी अचरा कचरा है दिमाग में? अगर नहीं है, है तो बोलो, वो साफ कर देंगे। तो जो भी सवाल आज तक हम बताए हैं, जितना भी क्या चैप्टर हो गया, क्या चैप्टर हो गया, परसेंटेज हो गया, कहानी का खत्म है, परसेंटेज का कहानी खत्म, सरलीकरण का कहानी खत्म, और ये आज नंबर की कहानी खत्म होने वाली है, है? अभी नहीं हुआ है, कुछ अचकचरा इसमें बाकी है, नंबर की कहानी खत्म हो जाएगी, ये 3 क्वेश्चन हो जाएगा, 3 चैप्टर हो जाएगा ना, है? इन तीनों चैप्टर का तुम लोगों का टेस्ट रहेगा अगले संडे को, अगले संडे को टेस्ट रहेगा, इसलिए वही जानता है। कहा है इस संडे का हुआ है? अगले संडे मतलब कि जो आने वाला संडे है, जो आने वाला संडे है, अगला संडे मतलब कि 6 महीना के बाद। कैसन बुढ़वा घर, सूखा घास खाता है, हरा घास खाता है, कोनो घास नहीं खाता है, इसीलिए दिमाग नहीं खुलता है। गांव घर में मोथा होता है, मोथा, इसको दुबड़ी बोलते हैं, उसको चिबाओ, रस पीस के रस पी जाओ या चिबा जाओ, बुद्धि खाना खन तेज हो जाएगा। हम सुबह शाम लेते हैं बाबू 90 ml करके, 90 ml करके लेते हैं, ठीक है? ये हो गया तो दिमाग खुल जाएगा। मिटा दें इसको। प्रचार कर दो कि जिसका दिमाग तेज नहीं है, वो दुबड़ी का जो है ना रस बनाकर 90 ml तक सुबह शाम करके पिए, दिमाग क्या होगा? तेज हो जाएगा। अरे गधेड़ा, सच में मत पी लेना। अब पिएगा तो सच में तेज होता है रे। चलिए, 3 नंबर तक क्वेश्चन हुआ, 6 नंबर है, चलो ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन। कहता है 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, पलटने पर
पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर अंतर कितना है? 63 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? अंतर क्या है? यही है ना। तो हम क्या बताए थे अभी, जस्ट बताए थे ना, अगर अंतर पूछे तो फटाक से क्या करना है बबुआ? 9 से भाग देना है। 9 सत्य का 63। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होने वाला है? 7। क्लियर है? क्लियर है? गला फंस रहा है मेरा, पानी दे दो, पानी दे दे, दमड़ी निकल जाएगा। अपना काम करो, उसको मत देखो। अरे बकला बाकल, अरे बाकल, तू खा पी के नहीं आता है क्या? जो पेन चबा रहा है, मारेंगे कोने झाड़ देंगे, हंसता है, हैं? और बोल रहे हो तो दिखा रहे हो, बकलो लगी रे। चलिए देखिए क्या है। 2 अंकों की संख्या तथा उस संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या है? ठीक है, देखिए तो लिखेंगे माना, माना क्या लिखेंगे? अंकों की संख्या बराबर, यही ना, माना बड़ी एवं छोटी अंकों की संख्या बराबर क्या मान लेंगे? 10x प्लस का वाई। क्लियर है? अब क्या करना है, अंकों को पलट देंगे बाबू। लिखेंगे अंकों को पलटने पर, जब देखो अंकों को पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? 10y प्लस का x। यहां तक हो जाएगा? क्लियर है सभी का? यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या बोल रही है। प्रश्न से बोल रहा है कि 2 अंकों के संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर क्या बोला? प्राप्त संख्या का अंतर 63 है, यानी माइनस करना है ना। देखो 10x माइनस वाई, 10x प्लस वाई, अब इसको माइनस करना है कितने को? 10y प्लस का x, यही ना माइनस करना है रे। वो तो बनवे करे, कितना आया? 7 आया, 7। ठीक है, इसको क्या करना है बाबू? माइनस कर देना है, माइनस से करना है ना। तो अंतर कितना होता है 63 का? 63। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है ना। चलो अब क्या करना है, 10x प्लस वाई, अब इसको ब्रैकेट से पहले हटा तो लो। देखो ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस तो सभी में चिन्ह लगेगा, जहां प्लस है वहां माइनस है, जहां माइनस है वहां प्लस, ये तो प्लस है तो ये तो माइनस होगा ही होगा, हैं? क्लियर है बाबू? अब यहां भी माइनस होगा ही होगा, क्लियर है सभी को, हाँ या ना? देखिए 10x में से एगो एक्स को घटा दीजिए, कितना बचा? 9x। यहां माइनस और प्लस है ना, माइनस प्लस है ना, तो माइनस, देखिए क्वांटिटी जिसका अधिक होता है चिन्ह वही होता है, ठीक है? क्वांटिटी जिसका अधिक होता है चिन्ह क्या होता है? वही होता है। जैसे कि यहाँ देखिए कि प्लस का क्वांटिटी कितना है? 1। प्लस का क्वांटिटी कितना है? 1।
और यहाँ पर देखिए माइनस का क्वांटिटी कितना है 10, माइनस का क्वांटिटी 10, तो चिन्ह भी किसका लगेगा? माइनस का। अब 10 में से एक को घटाइए कितना बचेगा? 9y बराबर का कितना हो गया? 63। अब ये दोनों में बताओ बबुआ कॉमन क्या आ रही है? 9 आ रहा है ना, तो 9 कॉमन लीजिए, बचता क्या है x माइनस वाई का ना बराबर 63, ये हो गया। अब ये 9 जो है x के गुना में है, जब इसको उठा के उस पार पटकेंगे तब जाके क्या बन जाएगा? ये गुना में है तो पटक देंगे उधर ले जाके तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर का हो जाएगा 63 बटा का 9, 9 से कटा दीजिए 7 बार में कट जाता है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 7, 9 सते क्या हो गया? 63, और इसका एकदम सही आंसर है कितना? 7। समझ में आया? मजा आया? किस तरह लगा, जिलेबी के तरह लगा या समोसा के तरह लगा? छेना, छेना तो चैना माल हो गया रे। तो क्लियर है सभी को? तो आज आप लोगों की नंबर यानी संख्या चैप्टर जो है वो खत्म हो गई, ठीक है, नंबर यानी संख्या संख्या जो है वो आज खत्म हो गई। और एक बात बता देते हैं, चैप्टर वाइज अगर पीडीएफ किसी को चाहिए, चैप्टर वाइज अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, इसमें जैसे फुल डिटेल से बनाया गया है इस चैप्टर को, यानी कि सारे चैप्टर को हम फुल डिटेल से बनाते हैं ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। अगर जिन किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के इस वीडियो में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, वहां से जाके आप लोग इसको कॉल करके मंगा सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, आप लोग कॉल करके मंगा सकते हैं, जिसको जरूरत हो, लगे कि नहीं पढ़ना चाहिए तो मंगा लीजिए। क्लियर है आप सभी को? हाँ क्लियर है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे।